फ्रेंड्स, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं 11th का, चैप्टर नंबर 4, क्या दिख रहा है आपको? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपको इस चैप्टर में बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलने वाली है। और 11th में हमने OCM को क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ये वाला जो चैप्टर है वो 12th में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही न्यू सिलेबस आया दोस्तों, तो 12th से ये चैप्टर हटके 11th लेवल पे आ गया है। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आ रहे कि सर OCM ना हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ना याद नहीं रह रहा है, क्योंकि सिर्फ बच्चे ना बिना अंडरस्टैंडिंग के लर्न किए जा रहे, रट्टा मार रहे सिर्फ। तो क्या होता है, आज तो याद रहता है लेकिन 2 दिन बाद ना हम भूल जाते हैं, राइट? तो ऐसे बिल्कुल भी मैं नहीं होने दूंगा। अब तक आपने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस तो देखे ही है, और आपको मतलब करीब करीब दोस्तों 20-25 हज़ार व्यूज है उन वीडियोस पे। तो डेफिनेटली आपको पसंद आया, आपने लोगों के साथ शेयर किया, तभी जाके ये बात पॉसिबल हुई है, राइट? सो डोंट वरी, चैप्टर नंबर 4 भी उतने ही डिटेल में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपका करा के दूंगा, बराबर है? यस सर। अब जो नाम है चैप्टर का, क्या? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, और चैप्टर नंबर जो 5th है वो पार्ट 2 है, लेकिन हर एक चीज इन डिटेल हम पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेना। पहले तो समझ लो सर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बातें कही है आपको, जैसे सोल ट्रेडिंग है, देन आफ्टर पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में कहा है, उसके बाद उन्होंने HUF है, कंपनी है, सो ऑन। लेकिन दोस्तों, आपको और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे ध्यान देना सर, आपको सिर्फ एक इमेज दिखा, ये कौन है? डॉक्टर है, इंस्पेक्टर है, कौन है ये? सर, आप सिर्फ एक पर्सन को देख के उसके नाम को बता रहे हो, सर ये डॉक्टर है, वेरी गुड। चलो, ये कौन है? ये साइकिल वाला बच्चा ना, ये जो ये खड़े, सर पुलिस, ओके। और ये कौन है? ट्रैफिक हवलदार, राइट? इनको देख के, जो बच्चे अब कॉलेज में जाएंगे तो इनको देख के जिनके पास लाइसेंस नहीं है रास्ता चेंज कर देते हैं। मुझे क्या बताना था सर, ये इंसान ही है, लेकिन उनके वर्दी से, उनके यूनिफॉर्म से हम उनकी पहचान रख रहे हैं, यस और नो? क्या आप लोग इन्हें डॉक्टर कहोगे? क्या सफेद कोट तो इन्होंने भी पहना है, यस और नो? आप कहोगे नहीं सर, ये थोड़ी ना डॉक्टर है, तो ट्रैफिक हवलदार है, इंस्पेक्टर है, बराबर। उनका काम क्या है? ट्रैफिक को मैनेज करना। इन्होंने व्हाइट कोट पहना, इनको क्या कहा? डॉक्टर। अब मैंने ये एक्सप्लेनेशन क्यों दिया आपको, समझो दोस्तों, 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम देखते हैं, तो जो प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहा है बंदा, देखो यहां पे मैं आपको और एक इमेजेस मैंने बहुत सारे लेके आया, पानीपुरी के बिजनेस वाला बताऊंगा, सब डिटेल में जाऊंगा। इन्हें क्या कहा सर? प्रोप्राइटर कहते हैं हम लोग। वैसे ही सर और मैडम, जब कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, तो वो जो लोग होते हैं पार्टनरशिप करने वाले, उन दोनों को क्या कहा जाता है? पार्टनर्स कहा जाता है। वर्ड समझो भावनाओं को। मैंने अभी तक सिखाना चालू नहीं किया, मुझे चैप्टर पढ़ाना ही है आपको, लेकिन आपने क्यों ध्यान देना चाहिए, क्यों वो चीज समझनी चाहिए? ये भाई ऐसा नहीं है कि भाई 11वीं खत्म, ये नॉलेज कहीं पे भी काम में नहीं आने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हो, 2 लोग आपको दिख रहे हैं, तो उन्हें क्या कहो? प्रोप्राइटर कहूं क्या मैं? नहीं सर, उन्हें क्या कहा जाएगा? उनको पार्टनर्स कहा जाएगा, एक टर्म है। वैसे ही आपको एक टर्म आएगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उनमें जो हेड होते हैं, आई होप अब तक बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा बहुत खुद से पढ़ा होगा, तो उन्हें क्या मैं पार्टनर कहूं क्या? नहीं सर, उधर 2 वर्ड्स यूज होते हैं सर और मैडम, ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आने वाला है, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको क्यों डिटेल में पढ़ना चाहिए, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ताकि बच्चे से रटे ना, से पढ़े ना भाई, ये जिनको मतलब, आप ही थोड़ा सोचो कि अब तक आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया क्या? जो लोग, जो सोल HUF है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फैमिली बिजनेस है, उनका जो हेड होता है उन्हें कर्ता कहते हैं, और जो बाकी के मेंबर्स है उन्हें को पार्टनर लोग है, उन्हें को पार्टनर्स कहते हैं। अब सर, कर्ता क्या, को पार्टनर्स क्या, ये आप हमें बताओगे क्या? डिटेल में जाएंगे जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ेंगे, बराबर है? वैसे जो कंपनी के लोग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मेंबर्स कहेंगे। देखो सर, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्या था? सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप क्या कहते हैं उन लोगों को? पार्टनर्स। HUF क्या कहेंगे सर? सर जो हेड है उन्हें कर्ता कहेंगे, और जो बाकी के लोग को पार्टनर्स हो जाएंगे। कंपनी मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स। सर ये नाम क्या ले रहे हो? जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन आपके पूरे चैप्टर्स में आप क्या देखने वाले हो ये स्क्रीन पे देखो। पहला प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, ये समझाया है।
फिर सोल ट्रेडिंग आपका चालू होगा। ये देखो मैं यहाँ पे टिक करता हूं ताकि आपको समझे। सोल ट्रेडिंग आपका चालू होगा, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, ये सब मैं आपको यही पे लर्न करवा के दूंगा। ऐसा नहीं है कि सर हम तुम सिर्फ हमको समझा के ही दूंगा, समझा के तो दूंगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा ही, लेकिन आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लास में ही अगर वो चीज यही पे लर्न हो जाती है तो बेस्ट रहेगा, आपका काम कम हो जाएगा, बराबर। तो सोल ट्रेडिंग के इतने सारे बातें हम करेंगे, फिर उसी तरह पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये 5 से 6 बातें हैं, बराबर दोस्तों। यस, तो बिल्कुल ही ज्यादा टेंशन मत लो, पेशेंस रखो और चीजों को समझते रहना, राइट। यस सर, अब मैं बहुत बार कहता हूं कि कॉमर्स लेने के बाद अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, वो इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है, जब आप लोग कॉमर्स के टर्म्स कंसेप्ट को अच्छे से समझो। नहीं तो 10वीं तक बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर साइंस ले क्या, डिप्लोमा करे क्या, इंजीनियरिंग में जाए क्या, आर्ट्स ले क्या, बहुत सारा कंफ्यूजन, उसको छोड़ के, या जिनको सीए भी करना था, जो कॉमर्स लिया है तो बेस को समझो। आई नो के कॉलेजेस बहुत लेट चालू हुए, आपका आपको उतना टाइम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन इन लेक्चर्स में 100% कंसेप्ट कवर होगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आपका कोई भी कंसेप्ट तो अधूरा नहीं रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है सर, उस साइड बैठ के स्क्रीन के क्या करना, कंसंट्रेशन से सारी वीडियोस देखना है। मैं कहीं पे भी घाई भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि रिवीजन लेक्चर है सर, वो भी आएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उस हिसाब से इसे समझो, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो, क्या पूरा ध्यान दोगे आप लोग, यस सर नो, यस सर, क्या पढ़ना चालू करें, यस सर, चलो पूरा ध्यान दो यहां पे। और अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, डिटेल में हम लोग जाएंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, यस, चलो ध्यान दो। इंट्रोडक्शन, क्या सर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। ओके सर, इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस मतलब सर ये देखो, ये पानीपुरी के थैले वाला, इन्हें क्या कहूंगा मैं, प्राइवेट सेक्टर है इंडिविजुअल का, क्या कॉर्पोरेट भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है क्या, देखो गूगल कंपनी हो सकता है सर, तो ये लाइन समझो आप, रटना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स क्या, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हाट, कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस, खत्म सर। बच्चों को इन्हीं दो वर्ड याद रखने में प्रॉब्लम होता है, तो इंडिविजुअल से कौन सा इमेज याद रहेगा, ये वाला पानीपुरी, हाँ सर, सर नाम मतलब बार बार है पानीपुरी, और उसके बाद क्या, ये कंपनीज हो सकता है इंडिविजुअल भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आए, और क्या हो सकता है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस भी आए, समझियो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन एंड मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटीज। ओन मतलब कौन, उन्हें मालिक कौन है उनका, प्राइवेट सेक्टर रहेगा, मैनेज भी कौन करेगा, वही करेंगे। दिस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्राइवेट इनिशिएटिव्स, प्रॉफिट मोटिव, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड। तीन बातें दिए हैं कि सर इनिशिएटिव भी अकेला बंदा लेगा, अब अपना क्लास अगर प्राइवेट है तो हम लोगों को ही मेहनत करनी है, नए नए कंसेप्ट हमें ही कुछ ढूंढ के लाना है, प्रॉफिट भी हमें ही होगा, मैनेजमेंट हमारे ही हाथ में है, समझ में आ रहा है। और सर हमको ना एक वर्ड नहीं समझा, क्या 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 क्या, ये वाला देखो, मुझे पता है आप लोग पूछने तो वाले नहीं हो एकदम, देखो अब तक ना हमने ये दिस देखा है, लिखते वक्त का सबसे छोटा इंग्लिश का प्रॉब्लम, और सर यहां पर दिस कैसे लिखा है देखो। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको ये जनरली दिक्कत नहीं आएगी, आप बोले सर क्या फालतू वाली बात बता रहे हो, छोड़ो ना ये क्या बताने की बात है, लेकिन नहीं कुछ बच्चों को ये यहाँ पे भी दिक्कत आती है, क्या ये वाला है या ये वर्ड है, बहुत सारे अनेक वचन, समझ रहे को, जब यहां पे बहुत सारी चीजों को डिनोट किया है, प्लूरल बोलते उसको, अब क्या है सर, दिस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या क्या है सर, इतना डिटेल में मत जाओ सर, रेगुलर है हर चीज में बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन होने दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि आप 11th में हो, आई नो क्या आप हो बहुत होशियार, लेकिन हर चीज अगर डिटेल बताए तो अलग से कॉन्फिडेंस आता है, समझा, लिखते वक्त ये छोटी छोटी गलतियां हमको अवॉइड करनी है, राइट। दिस बहुत सारे, दिस प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइज मत लिखना, ये भी गलती करते हैं बच्चे, इंटरप्राइजेस आर मोस्टली कैरेक्टराइज बाय सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बार समझो, प्राइवेट इनिशिएटिव लेते हैं, प्रॉफिट मोटिव होते हैं, ओनरशिप होता है, क्या आपके पास भी टेक्स्ट बुक है दोस्तों, नोट्स भी हमारे, लेकिन मुझे पता है ऑल ओवर महाराष्ट्र
जितने भी बच्चे हैं, टेक्स्ट बुक तो सबके पास है और नोट्स भी हमने कहाँ से बनाए, टेक्स्ट बुक से या बाकी के रेफरेंस बुक से, क्यों टेंशन लेते हो, इसमें से ही पढ़ो। ओके सर, नाउअडेज द प्राइवेट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल यूनिट आर नॉर्मली ओन बाय शेयर होल्डर एंड मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर वेयर दे आर नॉट ओनली गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव बट ऑल्सो बाय एक्सपांशन कंसोलिडेशन अराउजिंग सोशल कॉन्शियसनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वेलफेयर। तो सर क्या हो गया कि अब क्या हो रहा है, देखो कंपनीज की बात करते हैं, लोग क्या करते हैं यहाँ पे नाउअडेज, वहां से आपको शायद कन्फ्यूजन चालू होगा, वो लैंग्वेज नहीं समझी होगी ये वाली। उन्होंने कहा है कि मैनेज क्या करते हैं भाई लोगों ने, शेयर होल्डर का पैसा होता है और प्रोफेशनल्स लोगों को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने कंसेप्ट सुना रहेगा, एसपी के भी लेक्चर आने वाले अपने, तो वहां पे उन लोगों को हम मैनेज कराते हैं बिजनेस को। क्या होता है सर, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, एक्सपेंशन अलग अलग जगह पे वो कंपनीज को लेके जाते हैं प्राइवेट कंपनी, उसके बाद सोशल अवेयरनेस, मतलब हो सकता है जो गरीब लोग हैं उनका एजुकेशन का काम देखती हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे काम करते हैं, उसी तरह से बात की है। चलो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ दिक्कत थी नहीं सर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हमको थोड़ा बहुत तो समझा, एक चीज़ फिक्स रहती है, प्रॉफिट मोटिव तो रहता ही रहता है। मीनिंग द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अर्न प्रॉफिट। एक ही नंबर, ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, मेरे साथ सब लोग ये लर्न करोगे। सर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर? तो प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश व्हाट सर, इकोनॉमी बोलो क्या, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा सर आप वहां से बोल नहीं रहे हो ना, आप सिर्फ सुन के मजे ले रहे हो, सुनना नहीं राजा, बोलना है राइट, क्योंकि एग्जाम में हमको याद आना चाहिए, हम पेपर लिखने वाले, मैं पेपर लिखूंगा क्या? नहीं सर, पेपर किन्हें लिखना है तुम्हें, बोलो। प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी दैट इज रन बाय हुम, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सर ग्रुप में मे बी पार्टनरशिप आ जाए, कंपनी आ जाए, एचयूएफ आ जाए, देखेंगे ना, समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स टू अर्न व्हाट, प्रॉफिट। क्यों करते हैं सर काम? पैसा कमाना है, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा स्कीम नहीं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या है, पैसा कमाना है टू अर्न प्रॉफिट, तो लोग आएंगे। तो अच्छा सर, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है? दोस्तों आप अपने सीनियर्स को पूछना, बहुत बार यही नहीं समझता कि सर एचयूएफ सोल ट्रेडिंग ये प्राइवेट होता है कि पब्लिक होता है, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर समझा, क्यों करते हैं काम, टू अर्न व्हाट, प्रॉफिट। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग, उन्होंने यहाँ पे टाइप्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हर एक पॉइंट में डिटेल में लेने वाला हूं और आपसे लर्न भी करवाने वाला हूं, डोंट वरी। आगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी कैन बी विटनेस फ्रॉम द ट्रिमेंडस ग्रोथ इन इंडियन बीपीओस, सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्राइवेट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज फ्लडेड विद प्राइवेट इंडिविजुअल इंडियन कंपनीज, इन फैक्ट दे डोमिनेट द सेट इंडस्ट्री। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ये पढ़ा होगा, वहां पे मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाया था, जहां पे एलपीजी ये तीन कंसेप्ट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मोटो क्या था दोस्तों? जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो इतने अच्छे से एफर्ट्स नहीं ले रही थी, काम नहीं कर रही थी, तो हमने क्या सोचा, क्यों ना बाबा इन पब्लिक सेक्टर को अगर हमने प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दिया तो वो उतना ज्यादा मेहनत लेंगे और उतना अच्छे से काम करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? प्राइवेटाइजेशन का वन ऑफ द मोटो था, और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ बहुत अलग अलग सेक्टर की कंपनीज आई है, ऐसे उनका कहना है, भले वो सर्विस सेक्टर की कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, यहाँ पे आप देखोगे सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट? आप जब एड भी देखोगे टीवी पे तो क्या लगता है आपको, क्या पब्लिक कंपनी थोड़ी ना है? बहुत सारे अलग अलग, जितने भी आप जस्ट इमेजिन करो कि जितने आप सुबह से जैसे ही आपने टेलीविजन ऑन किया कितने सारे एड्स आप देखते हो, क्या कभी आपने अपने गली में या अपने सिटी में, अपने मोहल्ले में एक ठेले वाला बैठा है, पानीपुरी वाला समझ लो, चैट वाला समझ लो, क्या उसका एड देखा क्या टीवी पे? नहीं सर। लेकिन फॉक का एड देखा है क्या? हाँ। तो ये कंपनी है क्या? प्राइवेट कंपनी है क्या सर? प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं क्या? हाँ सर। इनका बजट ज्यादा है ना, बहुत डिटेल, बहुत मजा आने वाला है। देखो दोस्तों जाएंगे आगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन में भी नहीं आने वाला, लेकिन मुझे हर एक लाइन आपको समझा के देना है, इसलिए डिटेल में जा रहा हूं मैं।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कवरिंग द सेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल, एग्रो फूड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट वर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ. यस, इनसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो इसीलिए ग्रोथ होने में इन सबका इंपॉर्टेंस ज्यादा है करके. ठीक है, एक बार रीडिंग करो, बाकी ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कुछ एक्टिविटीज आपको करनी है, लाइक सर एक लिस्ट बनाओ कि आप जितने एडवर्टीजमेंट देखते हो उसमें से आपका कौन सा एडवर्टीजमेंट फेवरेट है. नेम ऑफ द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट. आइडेंटिफाई सेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो, थोड़ा R&D करो, गूगल करो वो कौन सी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर है. उसका मेन जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर करके ग्रुप है, उनका मेजोरिटी प्रोडक्ट उनके ही दिखेंगे आपको. राइट, बहुत सारी बातें, लेकिन अपन वी बोल रहे कि आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाते, थोड़ा पॉइंट पे रहते हैं. इतनी बातें समझी? हाँ सर. तो दोस्तों क्या था, प्राइवेट सेक्टर की हम बात करने वाले हैं, उसमें ये पांच बातें आपको दिखेगी. ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है. ये चैप्टर ही सबसे लेंदी जा रहे हैं ना आपको, मुझे पता है. देखो क्या इतनी सारी बातें हैं इसमें, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, देन अपटर ज्वाइंट हिंदू फैमिली, देन अपटर क्या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी. अलग 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 बातें हैं और समझने में, याद करने में दिक्कत हो रही है, बट सब चीजें आपको मैं याद करवा देता हूं. ठीक है, आप कोई भी टेंशन ना लो. आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम चालू करते हैं सोल ट्रेडर से. सोल ट्रेडिंग कंसर्न STC, या फिर उसे कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या आप लोग अभी भी पूरे कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर देख रहे हो क्या? यस सर, नो? यस सर. चालू करें? ओके. क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन. यहां तक आपको पूरा ध्यान देना है. मैं यहां पे कितने पॉइंट लिखने हैं पेपर में वो चीज बता दूंगा. देखो दोस्तों, पढ़ना एक बात है, समझना दूसरी अलग बात है, लेकिन जब आप पेपर में जाके लिखते हो ना, जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. तो मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग करा के दूंगा, ठीक है, लेकिन सीधा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सर? पेपर में प्रेजेंट करना, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे. तो सोल ट्रेडिंग पे कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? पहले आप सोल ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन दोगे, दो तीन लाइन लिखनी, इतना पूरा नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है. फिर आप सोल ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है वो बताओगे, और फिर उसका एक डेफिनेशन आप लिखोगे. समझ में आ रहा है? और फिर उन्हें जो मेरिट्स का होगा मेरिट्स लिखना, डीमेरिट्स का है तो डीमेरिट्स लिखना, इंपॉर्टेंस का है तो इंपॉर्टेंस लिखना, जो भी हो, लेकिन ये लिखने का स्ट्रक्चर होता है आंसर का. ठीक है, सोल ट्रेडिंग क्या है उस पर हम जाते हैं. पहले तो सोल ट्रेडर को देख लो. आप अपने कॉमर्स लेने के बाद आप अपने घर से बाहर निकलते हो, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप घूमते हो, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के आप जो देख रहे हो अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू, वो क्या होते हैं? सोल प्रोप्राइटर ही होते हैं. किराना शॉप में हम जाते हैं सर, क्या है? सोल प्रोप्राइटर है. सर हम ना शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े का दुकान है साइड में, सिटी में ही है, सोल प्रोप्राइटर है. सर हम ना वो शूज वगैरह खरीदने जाते हैं, नॉर्मल एक बंदा बैठा होता है वहां पे, सोल प्रोप्राइटर है. बहुत सारे कुछ भी एग्जांपल लो, मैक्सिमम एग्जांपल कहां पे आएंगे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. टेक्स्ट बुक है, इंट्रोडक्शन में जाते हैं, हर एक चीज में समझाओगे और ध्यान से लर्न भी करना है अपने को मेरे साथ. इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ. HUF होगा, कंपनी होगा, पार्टनरशिप होगा, हुआ करते थे. इट बिगिंस फ्रॉम सोल ट्रेडिंग कंसर्न. लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? सोल ट्रेडिंग से हुई. आपको जस्ट एक मिनट में आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ, सुनो ध्यान से. मैं अकेला क्लास चला रहा था, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है मेरा, लेकिन मुझे लगा यार अकेले से ना मेरे से सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, मेरे दो फ्रेंड्स को कनेक्ट किया, मतलब भाई चलो आओ और तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ. तो पहले तो मैं प्रोप्राइटर था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, लेकिन जैसे ही मेरे साथ लोग जुड़े, दो लोग जुड़े, दो फ्रेंड्स जुड़े, तो हम लोग तीनों लोगों ने किस में चालू किया? पार्टनरशिप में चालू किया. तो बिगनिंग कहां से हुई सर? सोल ट्रेडिंग था, उसका कन्वर्जन किसने हुआ? पार्टनरशिप में हुआ. फिर हम लोगों को लगा कि नहीं अभी कंपनी बनानी चाहिए, तो पार्टनरशिप का कन्वर्जन किसमें हो गया? कंपनी में हो गया. लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? देखो, इट बिगिंस फ्रॉम व्हाट? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. समझ गया आपको ये क्या मतलब था इसका?
सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लो, आईएमपी करो इस लाइन को. एक मास के लिए सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन ए सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं. तो इन दोनों तीनों में से चारों में से कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो सोल ट्रेडिंग सर यहां पे तो दिया है, लर्न भी हो गया क्या, लिखते भी आ जाएंगे. इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है, बिगनिंग विगनिंग छोड़ दो आप लोग, ये लाइन तो भी इंपॉर्टेंट है. ये डबल अंडरलाइन वाला देखो, ये अंडरलाइन कर लो आप. सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इतना लिखना है. दूसरा लाइन जो लिखना है आपको पेपर में इंट्रो में, अंडरलाइन करो ये वाला. द वर्ड सोल मींस सिंगल एंड प्रोप्राइटर मींस ओनर, खत्म. दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे नोट डाउन करा दिया आपको. सोल प्रोप्राइटर में सर सोल मतलब क्या, सिंगल, एंड प्रोप्राइटर मतलब क्या सर, ओनर, सिंगल ओनर वाला इसका मतलब होता है. दस द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट देयर इज ओनली कितने ओनर रहेंगे, एक ओनर रहेगा. और सोल ट्रेडर इज इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ द बिजनेस. द प्रोप्राइटर हैज ऑल द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड एनी प्रॉफिट एंड लॉस मेड. तो क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ अकेले का, जितना भी लॉस हुआ अकेले का, खत्म बात. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले का, रिस्क अकेले का, कोई ज्यादा टेंशन नहीं. एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप दिया है, ब्यूटी पार्लर दिया है, गिफ्ट शॉप दिया, कुछ भी ले लो. जो हमारे यहाँ पे रहते हैं नासिक में, जो आर्चिस गैलरी देख रहे हो आप, राइट, अगर वो सोल ट्रेडर है फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवाया, आई थिंक सो उन्होंने करवा लिया है, या फिर कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट शॉप आप गए, राइट, आर्चिस को छोड़ दो, छोटा मोटा गिफ्ट शॉप आप गए, आपको बर्थडे का, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आप चले गए एक छोटे से शॉप में, वहां से कुछ गिफ्ट लिया, वो बंदा कौन है, सोल प्रोप्राइटर है. समझ में आ रहा है, मीनिंग खत्म हो गया. इंट्रोडक्शन दो पॉइंट लिखने थे, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरा लिखोगे द वर्ड सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटर मींस ओनर. तो नाम इटसेल्फ क्या सजेस्ट करता है, सिंगल ओनर वाला बिजनेस रहेगा. क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे दिख पाओगे दो पॉइंट, हाँ सर. मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, खुद का पैसा वो इन्वेस्ट करता है, यूजेस हिज ओन स्किल एंड अंडरटेक्स द बिजनेस एक्टिविटी. अपना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा. यहां पे देखो, ये भाई ने जब बिजनेस डाला होगा, ये जो आप दिख रहे हो, ये देखो यहाँ पे सेव दिख रहे हैं, सेव कचौरी दिख रही है, आई थिंक सो ना, हाँ कचौरी है, टोमेटो है, पीछे देखो ये ऊपर पूरी दिख रही है आपको, बोले सर क्या लेक्चर में आप ये दिखा रहे हो करके, है ना, मुंह में पानी आ रहा है, डोंट वरी, पढ़ाई पे फोकस करो. ये सर ने क्या किया होगा, सबसे पहले ये पूरियों का पैकेट खरीदा रहेगा, ये सेव का पैकेट खरीदा रहेगा, फिर ऑयल वगैरह खरीदा रहेगा, गैस स्टोव सिलेंडर, सारी बातें लगी होगी कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस बन गया. ये पीछे जो देख रहे हो आप, ये देखो चैट सेंटर, कृपा कुछ तो लिखा है, बेलपुरन चैट सेंटर, ये बैनर बनवाया रहेगा, इसको तो खर्चा लगा होगा कि नहीं. तो पहले वो क्या करेगा, कैपिटल, ये जो पैसा डाला अकाउंट में आपने देखा होगा, बिजनेस कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, क्या रहेगा वो कैपिटल का एंट्री किया होगा आपने अब तक अगर अकाउंट किया है तो. समझ में आ रहा है क्या? तो सर अब समझ के करो सारी चीजें. इन दिस फॉर्म, विच फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, खुद का पैसा वो लगाता है, यूज हिज ओन स्किल. क्यों सर, इनको बनाते आता है सारा अच्छे से पानीपुरी, समझ में आ रहा है क्या? एंड वॉट अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी, और खुद बिजनेस चलाता है. ही मैनेज द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इंजॉय द प्रॉफिट एंड बियर द लॉसेस ऑन हिज ओन. कि अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद अकेला बंदा बियर करेगा, उसको मतलब इंजॉय करेगा, और लॉस हुआ तो अकेला बियर करेगा. This form of commercial organization is also known as proprietorship. Underline करना, major pairs में आ सकता है. Sole trader, उसको sole trader भी कहते हैं, proprietorship भी कहते हैं, individual entrepreneurship भी कहते हैं, proprietorship concern और sole trading concern, इतने सारे इसके नाम हो सकते हैं करके. समझा सबको? Yes sir. Meaning में sir क्या याद रखे? ये पहला line याद रखना. क्या होता है? इंडिविजुअल इन्वेस्ट इज ओन कैपिटल, यूज इज ओन स्किल बिजनेस रन करने के लिए. ये मीनिंग में आप लिख सकते हो. और बाकी तो पता ही है कि प्रॉफिट खुद इंजॉय करेगा, रिस्क खुद बेयर करेगा. ठीक है? यस सर. डेफिनेशन पे जाए? हाँ सर, दो डेफिनेशन है, उसमें से मुझे लगता है सेकेंड डेफिनेशन बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा. लर्न करना है मेरे साथ. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स लुंडी, नाम बहुत भारी है इसका, याद रखो लुंडी भाई, याद रह जाएंगे आपको. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स लुंडी द सोल प्रोप्राइटरशिप इज डैश डैश टाइप, अंडरलाइन एमसीक्यू आ जाएगा एक मार्क्स के लिए.
ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी इनफॉर्मल, या ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। ध्यान से मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो, क्या कहा, हेलो यहां पे ध्यान दो, द सोल प्रोप्रेटरशिप इज इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ बिजनेस ओन बाय हाउ मेनी पर्सन्स, वन पर्सन सर। लर्न डेफिनेशन, सिर्फ यहां नाम याद रखो, प्रोफेसर जेम्स लुंडे, द सोल प्रोप्रेटर इज वॉट, इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। चलो लर्न करो मेरे साथ, बोलो द सोल प्रोप्रेटर, सोल प्रोप्रेटर इज वॉट, सोल प्रोप्रेटरशिप इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या, इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। खत्म सर, वापस एक बार डेफिनेशन क्यों नहीं लर्न होती यार, सिंपल है ना, समझ के करो। द सोल प्रोप्रेटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ व्हाट, बिजनेस ओन बाय वन पर्सन, हाउ मेनी पर्सन, सिंपल बात है, कितना क्या, एक पर्सन, खत्म हो गया डेफिनेशन। वापस एक मिनट, चलो लर्न करो मेरे साथ यही पे लेक्चर में। सोल प्रोप्रेटरशिप इज व्हाट अकॉर्डिंग टू, नाम याद रखो बंदे का, नाम के साथ लिखना इन्वर्टेड कॉमा में, जेम्स लुंडी, एक भी वर्ड अपना मत घुसा देना भाई, नाराज हो जाएंगे जेम्स भाई। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सर कैसे याद रखे, जेम्स बॉन्ड 007 याद आ रहा क्या, अरे कुछ समझ रहा क्या? हाँ सर, जेम्स बॉन्ड से जेम्स याद रखना, अब लुंडी का मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जेम्स लुंडे क्या बोला, द सोल प्रोप्रेटरशिप इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ व्हाट, बिजनेस ओन बाय वन पर्सन, दैट्स इट, डन। सर वो प्रोफेसर हैंसन का करेगा, पढ़ लो, क्या पढ़ने में क्या जाता है, समटाइम्स समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोल्ली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, प्रोवाइडिंग द कैपिटल, बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, इतना याद रहेगा तो अच्छी बात है। डेफिनेशन, डेफिनेशन होती है, तुम 10 पेज की लिखो या 1 लाइन की लिखो, आपने नाम के साथ लिखना जरूरी था और जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो ये लिख दो। समझू, सबको समझा क्या यार, हाँ या ना, डेफिनेशन लर्न हुआ कि नहीं? सर इंट्रोडक्शन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, नाम के साथ, विषय खत्म, कोई डाउट नहीं ना, अच्छी बात है। चलो फीचर्स पे जाते, 5 मार्क का सवाल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एसटीसी, एसटीसी समझ ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, 5 मार्क्स, बोल्ड नहीं होने का, लिखा अब तक हमने, सोल मीन सिंगल, क्या सोल ट्रेड मतलब क्या, सोल ट्रेडिंग ना मतलब, और प्रोप्राइटर मतलब क्या, ओनर, सोल प्रोप्राइटर, सोल मीन सिंगल, प्रोप्राइटर मीन ओनर, वो तो आप इंट्रोडक्शन से लिखता है, मीनिंग लिखा, रिस्क कौन बेयर करता, अकेला बंदा, प्रॉफिट कौन एंजॉय करता, अकेला बंदा, इन सोन, चलने देने का। डेफिनेशन किसका लगने का, लुंडी का, सोल प्रोप्राइटर इज नॉट इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन, दिक्कत हो रही क्या लर्निंग में, नहीं, सोल प्रोप्राइटर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फीचर्स पे जाते, कितने फीचर है सर, कितने फीचर है, 7 पॉइंट है सिर्फ, 5 मार्क्स के लिए सब लर्न करा गया था, आप सिर्फ मेरे पास मेरे लेक्चर को ध्यान से देखो, एंड तक देखो, इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। फोन है, हेडफोन, आपने एयरफोन ला के बैठे हो गए, पूरा कंसंट्रेशन रखो, नोटबुक लेके रखो, आपको लिखता है लिखना, मतलब लिख लेना है तो लिख लो करके। फीचर्स, इंडिविजुअल ओनरशिप, देयर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सर नाम में ही है, ये तो मैं खुद बना देता सर, बिना लिख के पढ़ के जाता तो भी, अगर मेरे को समझाए तो। कितने लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल क्या होता है, ओनरशिप एक ही बंदे के पास, आज मेरे पास 10 लोग हैं लेकिन ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास, इंडिविजुअल ओनरशिप, देयर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सर इनके ओनर कौन है, यही सर है, देयर इज ओनली वन ओनर, क्या समझ रहा है क्या, मेन वर्ड क्या, इंडिविजुअल ओनरशिप, ये हेडिंग भी याद रखो, देयर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ही इन्वेस्ट ऑल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, रिपीटेड है देखो, ऊपर भी पढ़ा था हमने, जितना पैसा लगेगा वही इन्वेस्ट करेंगे, ही ओन ऑल द असेट ऑफ द बिजनेस, जितने भी असेट होंगे किसके होंगे, उस पर्सन के होंगे, एंड ही ऑल्सो रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो असेट भी उनका रहेगा और कुछ रिस्क आएगा वो भी कौन बेयर करेगा, वो बंदा ही बेयर करेगा। 3 पॉइंट है, राइट, समझता है, लर्न रहता ना, सुनो मैं बताता हूं कैसे करने का। मेन हेडिंग क्या है, खत्म कर देते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दिस इज ओनली, देयर इज ओनली वन ओनर इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पॉइंट नंबर 1 उसके अंदर लिखने का। दूसरा, ही इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, पॉइंट नंबर 2 जितना पैसा लगेगा वही इन्वेस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3, जितने भी असेट हो गए वो उसके हो गए और जितने भी लाइबिलिटी होगी वो बेयर करेगा। लाइबिलिटी समझता ना आपको, कि कल जाके मेरे पास 50 करोड़ का लोन हो गया, मेरे असेट बेच के 30 करोड़ आ रहे थे, मेरे घर बार भी चले जाएंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बताऊंगा आगे आपको बताऊंगा। तो असेट भी उसके, लाइबिलिटी भी उसके, खत्म सर, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड रिस्क। क्या होता है कि अगर हम 4 लोग मिलकर काम करते ना तो हमको हमारा प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, लेकिन सोल ट्रेडिंग में क्या होता है,
प्रॉफिट लॉस शेयर करने का टेंशन ही नहीं। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेला ओनर हूं यार, जितना ही प्रॉफिट होगा मेरा होगा। विषय खत्म, देखते हैं। अ प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। लैंग्वेज रिपीट होते रहेगा ओसी में, टेंशन नहीं लेने का। देयर इज नोबडी टू शेयर हिज प्रॉफिट और लॉसेस। ही एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज बेयर द ऑल रिस्क अलोन। देखो रिपीट हुआ वापस, प्रॉफिट भी उसका अकेले का रहेगा, रिस्क भी वो खुद ही बेयर करेगा, समझा। तीसरा पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विद स्मॉल कैपिटल एंड अर्न फॉर हिज लाइवलीहुड। उसको जिंदगी जीने के लिए वो बंदा अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकता है और अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, जिंदगी बिता सकता है। ही गेट सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। हम पैदा थोड़ी ना हुए किसी के अंडर काम करने के लिए। क्या करता हूं? नौकरी करता हूं। क्या किया? सीए किया। फिर क्या किया? नौकरी की सर, नौकरी। अच्छा, मतलब तुमको 12 लाख महीने का मिल रहा है तो वो नौकरी अच्छी, और कोई 2 रुपया महीने का कमा रहा वो नौकरी नौकरी नहीं। तो भाई नौकर नौकर होता है, मालिक बनो ना। सोल ट्रेडर क्या होता है? मालिक होता है सर, खुद का मालिक। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भाई, किसी के अंदर नहीं, 24 घंटे काम करता, खुद के लिए करता। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन उसके लिए रिस्क भी उतना होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या सर? सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पांचों फॉर्म में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सोल ट्रेडिंग सर। वो क्या? एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन, भाई जिसको कोई जॉब नहीं है वो क्या करेगा? खुद का बिजनेस डाल देगा भाई। जॉब नहीं मतलब क्या? आज ऐसे बहुत सारे सीएस एमबीएस देखे हैं आपने, एमबीए चाय वाला भी सुना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है सर? पढ़ा बहुत लिखा, लेकिन भाई मुझे खुद का बिजनेस डालना है। बिजनेस कर रहे लोग जर, अच्छी बात है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट वाला पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, चलो रिवाइज करो। इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा क्या था? नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। इंडिविजुअल, मेरे तरफ ध्यान दो, इंडिविजुअल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेल्फ इंप्लॉयमेंट, रिस्पेक्ट रहता है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट, तीन वर्ड हुए। इंडिविजुअल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एक्शन को देखो। इंडिविजुअल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड वॉट? सेल्फ इंप्लॉयमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट ना, यस याद रखो, सेल्फ इंप्लॉयमेंट। नेक्स्ट, लोकल मार्केट ऑपरेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट मैनेजर एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा रहा तो आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लगेंगे, एक्सपर्ट बोलते ना कि एडवाइस लगेगी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी, लग सकता है। अ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, हिंस जनरली सोल ट्रेडर ऑपरेट इन लोकल मार्केट। समझा भावना पहुंची? सर पानीपुरी वाला, सर बार बार यही मत दिखाओ यार, नहीं देखो, समझो भावनाओं को। ये बोलेगा अपन ऑल ओवर इंडिया पानीपुरी बेचेंगे सर, आप ब्रांच ये ब्रांच वो ब्रांच, सर नहीं कर सकते ना, एक लिमिट के बाहर नहीं कर सकते। नासिक में एक है, चलो दूसरे गली में एक डाल दिया, फिर भी लग जाते कि वहां पे कोई लोग पैसों का ही झोल कर देते हैं, कोई क्वालिटी खराब कर देते हैं। अब खाने पीने की चीजें कोई अगर कुछ गलत हो गया तो उसके नाम उस भाई जेल तो ओनर को हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि कितना सारा रिस्क है? तो ये सारी बातें सब इंडिविजुअल ओनर को ना बड़े लेवल पे काम करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए का क्या रहता है? लोकल लेवल पे, लोकल मार्केट ऑपरेशन करता है जनरली। हाँ, टाटा रिलायंस, इनको बड़े बड़े चीजें आती है सर, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है, हजारों करोड़ रुपए। ये बेचारा लाख डेढ़ लाख से काम करता है। समझ में आ रहा है? चलो चार पॉइंट हो गए, चलो 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 ध्यान दो, बोलो मेरे पास देखो। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ओनरशिप, अच्छा दूसरा क्या था? इंडिविजुअल ओनरशिप के बाद नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ढोकलो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और चौथा पॉइंट क्या है? लोकल मार्केट, लोकल मार्केट ना अपने आजू बाजू, लोकल मार्केट। पांचवा पॉइंट, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। इज्जत से पॉइंट मैं बोलता हूं, बहुत बच्चों ने घर पर पढ़ा समझा नहीं क्या है, अब समझो। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ। द सोल ट्रेडर इन हिज बिजनेस आर कंसिडर वन वन एंड द सेम। सर आठवतच नाही पेपरमध्ये लीगल क्या बोलते, लीगल स्टेटस। सुनो, आपको अकाउंट में कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद है, सुना है? वो क्या बोलती है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कंपनी के एंगल से वो अलग है। ये सोल ट्रेडिंग क्या बात करता है? आज अगर अमोल कासर मर गया, बिजनेस खत्म। समझ आ रहा है? सर मैं बोलूंगा अरे मेरा स्टाफ रखा है उनको तू पढ़ा देना, चलेगा क्या? नहीं सर, वो क्योंकि मैं हूं तो बिजनेस है। आप बोलो किसी और से पढ़ोगे क्या? आप बोलोगे सर हमने आपको फीस दिया आप ही पढ़ाओ, विषय खत्म। तो सोल प्रोप्राइटर लीगल, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मेरा बिजनेस ही मैं हूं ऐसे समझ लो। सर ब्यूटी पार्लर में वो जो मेन जो पर्सन थे वो आए नहीं, लेट हो गया उनको, और लड़की जाके बैठी ब्यूटी पार्लर में, और जो मेड आते थे उनको बोला, उनको फोन किया अरे तुम ही थोड़ा मेकअप करूं जाना, करवा के लेंगी क्या वो बंदी?
वो मेड से, नहीं सर क्यों, क्योंकि स्किल है सर, वो स्किल वो ही कर सकती है। डॉक्टर सर्जन घबराड़ गए और वो पेशेंट आया, बोले कंपाउंडर ऑपरेशन करूं टा, कर सकते क्या, नहीं सर। मतलब क्या कि अगर मैं हूं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है पहली बात तो, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम क्या होता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कंपनी की बात करो, ध्यान से गौर से सुनो, कंपनी और मेंबर्स का लीगल सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी अलग मेंबर्स अलग, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी अलग मेंबर्स अलग, सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी में देखोगे क्या ओनर सोल ट्रेडर को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता क्या, नहीं सर, देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, खत्म, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस एंड इन द आईज ऑफ लॉ द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर वन एंड द सेम, वो एक ही है करके, समझो। यस सर, पांच पॉइंट, चलो बोलो, फीचर ही करेंगे आज, टेंशन मत लो, इतना ही पढ़ेंगे लेकिन सब याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेडिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर। पहला एक क्या था, इंडिविजुअल ओनरशिप, रोक लो, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। उसके बाद क्या देखा था हमने, लोकल मार्केट, और फिर पांचवा क्या था, नो सेपरेट व्हाट लीगल एग्जिशन, हम है तो हम है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, खत्म बात। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, दोस्तों कंपनी पे बहुत सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, रिटर्न्स वगैरह का झंझट होता है, बहुत सारी बातें होती है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा है किसमें, कंपनी में। लेकिन क्या पानीपुरी वाले पे इतना रिस्ट्रिक्शन रहेगा क्या, पानीपुरी मतलब सोल ट्रेडर पे इतना रहेगा क्या, नहीं सर, देखते हैं। There is no separate act or law to govern the activities of the sole trading concern. Sir, ये learn करा के देता हूँ, learn मतलब समझा के देता हूँ, conceptual. Company के लिए ना, ये देखो ये company है, companies के लिए और अलग अलग company ने निकाल के रखी, बहुत सारी बातें आपको बताना है, जैसे आपको दो तीन नाम तो यहाँ पे Dell, right? Castrol, ये सारे चीज़ें तो दिख जाएंगे, मतलब सुना सुना रहेगा आपने नाम, Samsung वगैरह। Company के लिए act है, क्या, Companies Act. सुना है क्या, कंपनी कैसे चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक एक्ट बना के रखा है। पार्टनरशिप के लिए भी एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक एक्ट बनाया है, वो चीज कैसे होगी। लेकिन सर क्या सोल ट्रेडिंग के लिए कोई एक्ट बनाया क्या, ऐसे सवाल पूछा जाएगा आपको, और अगर बच्चे ने सच में पढ़ा है तो इंटरव्यू में आंसर करेगा, पढ़ो ना। देर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न द एक्टिविटी ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया हुआ है। कंपनी के लिए सेपरेट लॉ है क्या सर, हाँ कंपनीज एक्ट है। पार्टनरशिप के लिए कोई सेपरेट एक्ट है क्या सर, हाँ पार्टनरशिप एक्ट है। सोल ट्रेडिंग के लिए कोई है, नहीं है, क्या समझा, दिमाग में घुसा क्या, हाँ सर। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या क्या कंपनी हम बिना रजिस्ट्रेशन लिए चालू कर सकते हैं क्या, कर ही नहीं सकते। कंपनी चालू करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी कंपल्सरी है सर, कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपको चीजें याद रहे, और मैं जब सोल ट्रेडिंग बता रहा हूं तो अपने आप आपका कंपनी भी हो रहा है, समझ रहा है क्या, हाँ सर। देयर इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है, मतलब रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, ओनली टैक्स लॉज एंड लेबर लॉ हैव टू बी फॉलोड। हाँ, आपने बहुत बार, आप कभी चाय पीने गए हो या किसी दुकान पे गए हो ना, तो आपने देखा होगा कि 14 वर्षा खालील मुला आमच्या इथे काम करत नाही, लेबर लॉ फॉलो करना पड़ता है कि नहीं, हाँ सर। क्या सोल ट्रेडिंग को टैक्स देना पड़ता है सर, वो ओनर को, हाँ सर, बहुत पैसा कमाएगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये जो टैक्स के लॉ है वो फॉलो करने हैं, उसके बाद जो लेबर लॉ है वो फॉलो करना है, तो कुछ कुछ लॉ है जो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए एकदम सेपरेट से कोई लॉ नहीं बनाया, समझ में आया क्या सर, क्या पॉइंट था, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। अरे इशारों को ध्यान दो, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। 6 पॉइंट हुए, लास्ट पॉइंट बाकी, लेकिन 6 पॉइंट रिवाइज करते हैं। पहला क्या था, इंडिविजुअल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। उसके बाद लोकल क्या, लोकल ऑपरेशन, लोकल मार्केट ऑपरेशन, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लोकल स्टेटस, और मिनिमम गवर्नमेंट क्या, रेगुलेशन, कम से कम कंट्रोल होता है। लास्ट पॉइंट दोस्तों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें दो वर्ड आए, एक अनलिमिटेड जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, लाइबिलिटी मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना आप पे वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैंने क्या किया आपसे, आप जो ना आपसे, हाँ जो वीडियो देख रहे हैं आपसे, मैंने 5,000 रुपये लिए लोन पे, तो वो पैसे मेरे थे या आपके पैसे, मैंने कुछ दिन यूज करने के लिए। आप कहोगे सर पैसे तो हमारे, लेकिन आपको जरूरत थी तो हमने 5,000 दे दिए। मैंने बोला ओके, क्या आप फ्यूचर में मुझसे ये पैसा मांगोगे क्या, आप थोड़ी ना बोलोगे सर आप हमारे सर हो गए, उन टाका पैसे का ही टेंशन है। नहीं, आप बोलोगे हमको हमारे पैसे चाहिए,
भाई तुम्हारी जरूरत थी, पैसे दिए, अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गया, हमारे पैसे दे दो, हमको जरूरत है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये मेरी क्या हुई, लायबिलिटी हुई कि मुझे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, आपने मेरे को मेरे टाइम पे मदद की, आप मुझे मदद करनी है आपकी, मदद करनी मतलब इंश्योर, मदद क्या, मुझे आपका पैसा आपको लौटा देना है, खत्म बात, तो मेरे पे क्या लायबिलिटी है सर? अगर मैं नहीं चुका पाया तो मैं बोल सकता हूं क्या मारे कड़े पैसे नहीं, जे करे से करूंगा, बोल सकता क्या? नहीं। मेरे घर बार बेचेंगे सर, मेरा फोन बेच देंगे लोग, अनलिमिटेड है ना, पर्सनल ओनरशिप इस पे गया मेरा, मतलब मेरा फोन बेच के आपके पैसे देंगे, लेकिन देंगे, बट बताता हूं, पढ़ते हैं। सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, याद रखना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सोल ट्रेडर। सर मेरा एक घर है यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, और मेरा बिजनेस यहाँ पे है, बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या मेरा घर भी बेच देंगे क्या? हाँ, वो बिजनेस में जो लॉस हुआ, मतलब तुमसे मैंने 5,000 लिए थे, किसी से मैंने 10,000 लिए, किसी से 15,000 लिए, अलग अलग लोगों से पैसा लेके रखा था, बिजनेस बंद, तो ये एसेट बेच के अगर पैसा नहीं दे पाया ना तो मैं घर भी बेच दूंगा, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वॉट पर्सनल प्रॉपर्टी एंड वॉट बिजनेस प्रॉपर्टी। इसलिए ध्यान रखना, आपके पास क्लाइंट आएंगे पूछेंगे, अरे मैं स्वतः था बिजनेस टाकू का, तो उसको बोलना बेटा डाल, बिजनेस कर, बिजनेस करना गलत बात नहीं है, लेकिन लिमिटेड कैलकुलेटेड रिस्क लेना, क्योंकि जो लायबिलिटी ना वो अनलिमिटेड होती है, तुम तो बिजनेस डालोगे मम्मी पापा का प्रॉपर्टी भी बर्बाद कर दोगे, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? हाँ सर, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, किसका, सोल ट्रेडर का। बिजनेस असेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे इफ यहां पे वर्ड इफ बिजनेस असेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल ट्रेडर मे बी अटैच टू द बिजनेस प्रॉपर्टी। कि सर हुआ क्या, 1 करोड़ रुपया देना था, मेरा बिजनेस का असेट बेच के सिर्फ 80 लाख रुपया आया, तो मैंने क्या किया, घर भी बेच दिया 20 लाख का मेरा, और इसका पैसा दे दिया, करना पड़ेगा, अगर बिजनेस के असेट सफिशियंट नहीं है तो मेरे खुद के पर्सनल असेट भी बेचने पड़ेंगे। कितना हुआ सर, 7 पॉइंट हुए, 8वां पॉइंट है क्या, नहीं, मेरिट्स और डिमेरिट है, अगले लेक्चर में करेंगे इसको, लेकिन आपको समझा क्या, ये फीचर है, छोड़ो मेरे साथ लर्न करो, क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट लॉसेस, बराबर, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, फिर क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद लोकल इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या था आपका, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, और अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड खत्म, आसमान तक, जब तक है जान, जितना प्रॉपर्टी है सब चिपका दो, अटैच कर दो, मिनिमम गवर्नमेंट लगेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, खत्म, क्या, यस सर, 7 पॉइंट हुए, याद रहेंगे, अंदर का लिखते आएगा, आ जाएगा, अंदर सिर्फ एक बार पढ़ो, कलम मेरिट डिमेरिट कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। सर ऐसे करके करते हमें पूरा चैप्टर में लर्न करवा दूंगा, आज मैंने बेसिक भी बताया था, इसलिए पूरा चैप्टर एट अ स्टेज, मतलब चैप्टर मतलब सोल ट्रेडिंग भी पूरा खत्म नहीं किया, मुझे पता है आपका भी पेशेंस एक लेवल तक रहता है, तो आज इतना ही देखो, कल मेरिट और डिमेरिट्स कर लेंगे, बराबर, फिर हम एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे एचयूएफ पूरा खत्म करेंगे, कंपनी पूरा खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में, राइट, होप सो आपको समझा होगा, डिटेल में सारी चीजें करो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे रुकते हैं, सोल ट्रेडिंग का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जेम्स लुंडी का याद आ रहा है ना, हाँ, इनफॉर्मल फॉर्मल क्या था, इनफॉर्मल, बराबर, ये याद रखो, इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ओन बाय वन पर्सन ना, ओके, उसके बाद फीचर्स कितने, 7 पॉइंट याद रखने, लास्ट टाइम रिवाइज करो, चलो बोलो मेरे साथ, इंडिविजुअल ओनरशिप, उसके बाद सर दूसरा पॉइंट क्या था, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, चौथा क्या था सर, लोकल मार्केट, पांचवा क्या था सर, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, छठवा मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके डन, ठीक है दोस्तों, यहां पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी की चीजें मैं करा के दूंगा, और उसी बहुत ही सिंपल है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, सिर्फ मेरे लेक्चर अच्छे से देखो, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।